नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ओनली फैक्ट्स हिंदी पर। दोस्तों, आज हम आपको एक रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना बताने जा रहे हैं। 25 जनवरी 2006 लंदन की पुलिस एक घर में दाखिल हुई और दरवाजा खोलने के बाद जब वे कमरे में गए तो उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो दिल दहलाने वाला था। यदि आप भी वहां होते तो शायद आपका भी दिल दहल जाता। ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो कि बेहद सुंदर थी और वे सबसे बड़ी नारी सशक्तिकरण की मिसाल थी। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि वह धीरे धीरे एक भीड़ सी में खो गई, एक अनजान गम में इस कदर गायब हो गई कि उसे कोई ढूंढ ही नहीं पाया। जॉयस विंसेंट, वर्ष 2006 में, इस नाम ने लंदन की हर छोटी बड़ी अखबार में सुर्खियां बटोरी थी, और वो भी एक ऐसे कारण के लिए जिसने लोगों के सामने एक कठिन सवाल खड़ा कर दिया था कि यह हुआ कैसे। इस आम लड़की ने जीते जी तो नहीं लेकिन मरने के बाद दुनिया के सामने एक अनहोनी बयां कर दी थी। उस बंद कमरे में मिली उसकी लाश की कहानी लंदन के इतिहास में दर्ज हो गई थी। आखिर कौन थी जॉयस विंसेंट? जॉयस विंसेंट का जन्म 15 अक्टूबर 1965 में हुआ था। वो लंदन के फुलम पैलेस रोड पर रहती थी। जॉयस के पिता, जो कि एक अफ्रीकन थे, पेशे से बड़ाई थे और उनकी माँ हिंदुस्तानी थी। जॉयस केवल 11 साल की थी जब उनकी माँ का एक ऑपरेशन के बाद देहांत हो गया और फिर वर्ष 2001 में उनके पिता का भी निधन हो गया। जॉयस ने अपनी पढ़ाई लंदन में ही की थी और उसके बाद वर्ष 1985 में उसने लंदन में ही OCL नाम की एक कंपनी में बतौर सचिव नौकरी कर अपना करियर शुरू किया। इसके बाद जॉयस ने दो और कंपनियों में काम किया और फिर वह अनर्ट्स एंड यंग नाम की एक कंपनी में काम करने लगी। लेकिन ताजुब की बात तो ये है कि जॉयस ने बिना किसी कारण कंपनी छोड़ दी। कुछ तो बात थी जो वह परेशान थी। अनर्ट्स एंड यंग से बिना किसी कारण नाता तोड़ने वाली जॉयस ने फिर एक होटल में बतौर क्लीनर नौकरी की। उसके परिवार वालों का कहना था कि जॉयस उनसे बहुत ही कम बात करती थी और धीरे धीरे उसने सभी रिश्ते छोड़ने शुरू कर दिए थे। वो बिल्कुल गायब सी हो गई थी। जॉयस के बारे में यह भी कहा जाता है कि वो शायद घरेलू हिंसा का शिकार भी थी। उसकी सगाई हो चुकी थी और शायद जल्द ही शादी भी होने वाली थी, लेकिन फिर भी वो किसी कारण से परेशान थी। उसने खुद को अपने घर की चारदीवारी में बंद कर लिया था। जॉयस की मौत एक राज थी और वह राज बनकर ही रह गई। फरवरी 2003 जॉयस ने वुड ग्रीन शॉपिंग सिटी में एक घर में पनाह ली और वहीं अपनी एक अलग दुनिया बसा ली। सूत्रों के मुताबिक नवंबर 2003 में जॉयस को पॉप्टिक अल्सर की वजह से खून की उल्टी आई थी, जिस कारण उन्हें 2 दिन तक अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था। जॉयस अस्थमा की भी मरीज थी। उनकी मौत का एक ये भी कारण हो सकता है, लेकिन फिर भी डॉक्टर इस बात का पक्का सबूत नहीं दे पाए हैं। इसके अलावा जॉयस के पॉप्टिक अल्सर को भी उसकी मौत के कारणों में गिना गया है। तो चलिए अब बात करते हैं कि जब दरवाजा खुला तो क्या देखा गया। 25 जनवरी 2006, उस दिन लंदन की पुलिस जॉयस के घर में जब दाखिल हुई, दरवाजा खोलते ही बेहद बदबूदार गंध थी जिसे झेलना एक इंसान के बस की बात नहीं थी। दरवाजा खोलने पर टीवी चलने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई घर के अंदर बैठकर टीवी देख रहा हो। लेकिन कुछ आगे जाकर उन्होंने जो देखा, वह देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। सोफे पर पड़ा वो कंकाल माने ऐसा था जैसे किसी ने बड़े ही प्यार से उसे उस जगह पर बिठाया हो। वो किसी और का नहीं बल्कि जॉयस का कंकाल था। पिछले 3 साल से वहीं पर पड़ा रहा था। जांच में यह सामने आया कि जिस समय जॉयस की मौत हुई वो दिसंबर का महीना था और क्रिसमस करीब था। उनके कंकाल के आसपास जो तोहफे पड़े थे इस बात का संकेत दे रहे थे कि वो उन्हें किसी को देना चाहती थी, लेकिन दे नहीं पाई। उस रात वो शायद सोफे पर बैठकर टीवी देख रही थी और फिर अचानक बैठी बैठी मर गई। 3 साल तक उस सोफे पर उसका शरीर वैसा का वैसा पड़ा रहा। ताजुब की बात तो यह है कि 3 साल तक टीवी भी चलता रहा। इसका कारण मकान मालिक ने जॉयस के अकाउंट से सीधे ही पैसों का समय पर भर जाना बताया, जिस कारण घर में बिजली नहीं कटी। लेकिन जब पैसे खत्म हुए तो उन्होंने जॉयस को ढूंढने की कोशिश की। जॉयस की कहानी सुनकर हमें इस बात पर हैरानी होती है कि 3 साल तक कैसे कोई लापता रह सकता है। किसी को पता नहीं चला कि जॉयस कहाँ है। उसका वो मृत शरीर, या यूं कहें केवल एक कंकाल, इस दशा में नहीं था कि उसे पहचाना जा सके। जॉयस के दांतों से डॉक्टरों ने बताया कि वह जॉयस का ही कंकाल है। जॉयस के मरने के बाद पुलिस ने उसके मंगेतर का पता भी लगाने की कोशिश की, लेकिन असफल रही। उसके मरने का कारण भी एक बहुत बड़ा सवाल है, जिसे खोज पाना पुलिस और डॉक्टरों के लिए एक चुनौती बन गया था। आज तक उसकी मौत एक राज है और शायद हमेशा राज ही रह जाएगी। जॉयस की विचित्र मौत से प्रेरित होकर हॉलीवुड में एक फिल्म बनाई गई, जिसका नाम था ड्रीम्स ऑफ लाइफ। इस फिल्म में जॉयस को समझदार, आत्मनिर्भर और सामाजिक रूप से सक्रिय बताया गया है।
दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।